इसको बंद कर सकता है पूरा अच्छे से ऐसा करके, बढ़िया है भाई। हाँ ऐसा बंद कर तू तो। चलो कितना लिखा है? 12,000 में, ज़्यादा नहीं है। दिस इज़ द एंकल फुट ऑर्थोसिस, द पेशेंट हु हैज अ फुट ड्रॉप। ओके, पेडेटिक पेशेंट या जो भी हो, बड़ा पेशेंट है, द हेमिप्लेजिया स्ट्रोक पेशेंट जिसका भी। ओके, सो ब्रेन पालसी होने के बाद, सेरेब्रल पालसी होने के बाद उसका फुट ड्रॉप हो जाता है ड्यू टू एनी काइंड ऑफ कोई भी नर्व इशू होने के कारण। ठीक है, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरे चैनल में स्वागत है। आज जो भी नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, सुबह हो गया, आज वेदर ही बहुत अजीब सा हो रहा है, मतलब कितना सुस्ती वाला वेदर है, बारिश दे रहा है। ठीक है, इतना गर अभी बारिश दे रहा है, अभी बैसाखी आने वाला है, बैसाखी आने वाला है, तब तक मेरे को लग रहा है ये बारिश है ना 20-25 दिन और रहेगा, तो पूरा बॉडी को सुस्ती करे। और मेरे को कल रात से मेरे को फीवर था, माइल्ड फीवर था, सो आज नहीं सोच रहा हूँ कि आज क्लिनिक जाऊँ। सो देखो मैं अभी पर्दा नहीं खोल सकता, अभी ये खोल के फिर दिखाना पड़ेगा, नहीं फिर तो बारिश दे रहा है पूरा, तो बाहर में अभी थोड़ा थम गया है। सो चलो फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, देन उसके बाद आपको आज का प्लानिंग बताते हैं हमें कहाँ जाना है। ठीक है, चलो। इतना शू देखो, प्रीवो का पूरा गंदा हो गया, इसको साफ करना है, फॉर्मली पहनेगा, बाकी तो ये सब है। बस तेरा भाई रेडी हो गया पूरा टिप टॉप, पीछे का मेस है, ठीक है, तो ये किचन स्टाफ है, देखो कैसे कैसा लग रहा तुम्हारा भाई, ऊपर से नीचे और ये फॉर्मल से। चलो गाइस निकलते हैं। सो निकलते हैं गाइस, निकलते हैं। मास्क भी अंदर है, गेट खोलना पड़ेगा। देखो हम ये स्लोप है ना, ये तो गिर जाएगा नीचे की तरफ, सोच के इसका एक झमेले इसको ठेलना पड़ेगा। हाँ मन है किचे किचर है। ये कुदाल भी कौन रख दिया साइड में, पूरा गंदा हो गया बेटा। देखो गाड़ी भी साफ करना है ब्रो, बस आज थोड़ा धूप निकल गया, बहुत दिन से बारिश दे रहा था, अच्छा धूप दे दिया, कपड़ा सूख जाएगा। इधर एक और नेक्शन है, चलो चलते हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली, ओम हनुमते नमो, ओम हनुमते नमो, ओम हनुमते नमो। आज का दिन अच्छा जाए, चलो निकलते गाइस एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जो भी नए हैं मेरे चैनल में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को तो ज़रूर प्यार देना, और अगर अच्छा नहीं लग रहा, बोरिंग लग रहा है तो कोई बात नहीं, देखने की जरूरत नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, जस्ट नॉर्मली बोलो। मम्मी कुछ बोल, ओके कुछ दिखा रहा है, कुछ सब्जी दिखा रहा है, ओके ओके ओके। दो जो है अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये चीज खाओ, दैट इज वेरी गुड। रहा दिखा रहा हूँ, चाबी गेट होनी नहीं क्या? इंग्लिश इंग्लिश और माँ बोलता है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हिंदी बोलूं, मम्मी नहीं जानता हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बट दिस इज वेरी गुड। दोज हु हैव लाइक जो लेटरिन में अगर किसी का ब्लड निकलता है, ठीक है, दोज हु हैव अल्सरेटिव कोलाइटिस इन बोरो स्पीक, दे इज टू स्पीक इन मानी मुनी ना मा सॉरी सिंगरी मिकी, सिंगरी सिंगरी मिकी बोलते हैं, छोटा जात भी है बड़ा जात भी है। सो ये बहुत अच्छा है, जिसका ब्लड होता है, ठीक है, दोज हु हैव चांसेस ऑफ कैंसर, दो एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। चलो सो हेलो गाइस, सो हम निकल रहे हैं, एक पेशेंट आ गया, मैं भूल गया था वो पेशेंट को, बहुत दूर से आ रहा। सो वो पेशेंट को हम अभी, वो बोला कि और आधा घंटा लगेगा पहुंचने में, तो तब तक हम क्या करेंगे, मैं दो दोस्त को उठा लेता हूँ। सो वी आर प्लानिंग टू गो इन समवेयर,
सो यहाँ से अप्रोक्स 2 घंटा लगेगा गुवाहाटी की तरफ है। सो ये पेशेंट को भी मैं असेस कर लूंगा और जो भी प्रोसेस है उसको कर लूंगा, पर उससे पहले मेरे को 2 दोस्त को उठाना पड़ेगा। तो दोनों को उठा के हम चलेंगे टुवर्ड्स गुवाहाटी की तरफ, ठीक है। तो क्या करने वाला है वो आप लोग वीडियो में देखिए, एंड तक बने रहिए। चलो हम बताते हैं। आज क्लिनिक में खाली बाकी पेशेंट को बंद कर दिया, थोड़ा फीवर हो रहा था मेरे को मॉर्निंग को, तो उसी कारण और घर में रहते रहते और खुद को मतलब खुद को बीमारी जैसा लगने लगता है, इसलिए थोड़ा बाहर निकलते हैं। मेडिसिन ले लेता, अभी एक डोलो 650 ले लेगा, ओके, पैरासीटामोल ले लेगा, उसके बाद हम चलते हैं टूअर्ड डेस्टिनेशन की तरफ, जगह की तरफ। फिर उधर में जाके आपको दिखाएंगे क्या करने वाला क्या नहीं करने वाला, बस थोड़ा मोटा छोटा मोटा काम है, बस वही कर दिखाएंगे। चलिए, क्या मस्त वेदर है, देखो 2-3 दिन से इतना बारिश दे रहा था, देखो बादल भी कितना साफ साफ है, ग्रीनरी है, ठीक है, ब्यूटीफुल भी है, जो क्या मस्त वेदर है आज। तो कुछ इस तरीके से है हमारा जो ये थोड़ा मतलब कि मुसलपुर टाउन है जाने वाला रास्ता है। सो मैं वहाँ पर एक दोस्त को जाके पिकअप कर रहा हूँ, 4 किलोमीटर जैसे, ठीक है, उसके पास बाइक है बट मैं लेने जा रहा हूँ, फिर उसको मैं ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि वो मैंने बुलाया था, ठीक है, छोटा मोटा है। सो बेसिकली आज का प्लान है, आप लोगों को पता चल जाएगा थोड़ी देर में क्या प्लान है, बट जो भी है आप लोग देखते जाइए, ठीक है। सो देखिए हम लोग यहाँ पर ना एक चीज़ प्रॉब्लम है, देखो ये बकरी उकरी सब गाय हुए सब हमारे इंडिया में अभी सब इधर रोड में आ जाए, अभी तो कुछ लॉ निकाल दिया गवर्नमेंट ने कि लाइक कोई भी बकरी उकरी होगा या गाय हुए जिसका भी कुत्ता होता अगर जिसका अगर रोड पे होगा, अगर किसी का बाई चांस एक्सीडेंट होता है हमारा सरकार ने, तो जिसका भी बकरी है तो उन लोगों फिर कुछ कुछ के ऊपर मतलब कुछ कानून लागू किया गया है, ठीक है, सेक्शन आई डोंट नो, अभी मेरे को उसका नहीं पता कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या है अभी, बट मुझे थोड़े दिन पहले न्यूज़ में देखा था कि ये चीज़ लागू कर दिया है। कोई भी अपना बकरी उकरी जो है ना, कुत्ता उत्ता कुछ भी, जो भी अपने पेट डॉग्स है, पेट एनिमल्स है, गाय वाय, उसको अगर उसके थ्रू अगर किसी को एक्सीडेंट होता है तो फिर उसको जेल भी जाना पड़ेगा। क्या मक्खन रोड है भाई, देखो ना, इधर ही कहीं अड्डा मार रहा है ये राइट साइड में होगा, खड़ा है वो, देख खड़ा है, अच्छे वही होना चाहिए, ये राइट साइड में रोक रहा हूँ गाड़ी, उसको फोन करना पड़ेगा किधर है, बैठता तो इधर ही है, कहाँ है कुछ तो आ गया हीरो, हमारा हीरो देख बाइक में बैठा हुआ है, अच्छा अच्छा आ रहा है, अच्छा हीरो देख बाइक में रुका है, हाँ चाय पीने बुला रहे, एक गया दूसरा को बुलाने के लिए, उसको भेज दिया, अभी आया उसको उठाया, अब मैं गाड़ी चला रहा था, अभी उसको बुलाने गया, मैं ऑलरेडी फ़ोन कर दिया कि वो तुम्हारे पास गया है, इतना दूर से जो नोट किया, देख 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 देखो देख देख दिख रहा, देख दोनों आ रहा, हाँ अभी एक पेशेंट आ रहा, उसको बोला जल्दी आ जाओ यार, उसने भी फ़ोन करके नहीं बुलाया, फ़ोन करके आया नहीं, और फ्राइडे को बोला था आएगा, आज फ्राइडे मुझे याद नहीं है, पेशेंट इतना दूर से आ रहा है, उसको असेसमेंट करके देन जाएंगे, क्या चल रहा है ये लोग का, जल्दी आ जा, इधर में गाड़ी घुराने से भी देखिए पर कीचड़ है क्या ऐसा लग रहा है, ये देखो पानी है इधर, अब इतना बड़ा बड़ा मुर्गा, कुकरू कुकरू, चल दोनों का बीच में फाइट हो, चल फोन आ गया, हाँ कैसे दिख रहा होगा इस, देख लो फाइनल लुक, और यहाँ पर हमारा 2 दोस्त खड़ा है, कुछ नया पेशेंट आ रहा है इसलिए वेट कर रहे हैं। दिस इज द एंकल फुट ऑर्थोसिस, द पेशेंट हु हैज अ फुट ड्रॉप, ओके, पेडेटिक पेशेंट या जो भी हो बड़ा पेशेंट है, द हेमिप्लेजिया स्ट्रोक पेशेंट जिसका भी, ओके, सो ब्रेन पल्सी होने के बाद, सेरेब्रल पल्सी होने के बाद उसका फुट ड्रॉप हो जाता है,
ड्यू टू एनी काइंड ऑफ कोई भी नर्व इशू होने के कारण, ठीक है, सो सीवियर स्ट्रोक होने के कारण या बाय बर्ड सीपी बट एस्पेजिया कोई भी कंडीशन होने के कारण दिस AFO इज द एंकल फुट ऑर्थोसिस देन वी प्रोवाइड AFO, ठीक है, तो ये सब हम लोग यूज कराते हैं पेशेंट को कि फुट ड्रॉप इम्प्रूवमेंट हो पाए और इसको सोते समय बच्चे को लगा सकते हैं पीडियाट्रिक पेशेंट को, ठीक है, सो दिस इज अवेलेबल इन माई क्लिनिक ऑल्सो. देखो ये बड़ा डम मारा सब. एक पेशेंट के लिए इतना देर रुकना पड़ रहा है, 20 मिनट हो गया अभी तक, 20 आधा घंटा होने वाला है, 20-25 हो गया होगा, आधा घंटा कब से वेट कर रहा हूँ. देखो कल का पेशेंट लिस्ट जा जाओ जाओ जाओ. सो गाइस अभी हम लोग तेल भराने के लिए रुका है. अभी यहाँ पर कितना चल रहा है तेल का दाम, 96 या 97? पिछले बहुत लेट करा दिया हमें, ना धूप है देखो तो आज. कितना दाम चल रहा है भाई, गर्मी है, पेट्रोल का दाम कितना चल रहा है अभी? पता नहीं, ये तेल ही भरा था तभी भी पता नहीं है. साला ये देख पेट्रोल पंप का मालिक है, इसको पेट्रोल का दाम नहीं पता. छी मैं प्राइस दिखता ही नहीं, सीधा जाके भर देता हूं. पेट्रोल का मालिक है इसका, एक पेट्रोल है जनता. ये बहुत बहुत अमीर है, ये बहुत अमीर है, बहुत धनी आदमी है. पैसा नहीं है, 1000 रुपए डाल देख. सच्ची में मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये पेट्रोल का मालिक है लेकिन पैसा नहीं है. पैसा नहीं है, भिखारी है. इसका अभी अकाउंट में कितना निकले, 20-30 लाख रुपए निकले. उस दिन 4 लाख रुपया दिखाया था इसका अकाउंट में. सर झूठ नहीं बोल रहा मैं गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रहा, एकदम सीरियस बात बोल रहा हूँ. ये पेट्रोल पंप का मालिक है ये, क्योंकि उसको कुछ टेंशन नहीं है भाई, अकाउंट में इसका 20-30 लाख रुपया भरा हुआ है. उस दिन 4 लाख रुपया दिखाया था. कितना गर्मी है भाई, फाइनली देखलतुन में पहुंच गया गाइस, देखलतुन में पहुंच गया. अभी ये दोनों यूरिन करने गया और मैं भी जा रहा हूँ. बहुत ज्यादा ही गर्मी है भाई आज, इतना गर्मी क्यों है, कल इतना बारिश दिया था. सो पार्किंग में लगा दिया, अभी मैं ब्लॉक कर दिया, निकलता हूँ. चलो गाइस फ्रेंड्स, चलो थोड़ा सा देखो, देखल तन पहुंच गया मैं, पार्क कर दिया इधर में विद सिस्टम, सब गाड़ी पार्क है और हम भी अभी जा रहा अंदर जाएंगे. वो दोनों पहले चला गए यूरिन करने. फेरा यूरिन करके आते पहले, चलो पहले चला गया यूरिन करने. हाँ दोरा यूरिन करके और ना ज़्यादा धूप है, बाप रे बाप मत बोलो. प्लस अला रुका भी नहीं मेरे लिए. चलो चलो अंदर, चलो चलो देवा, चलो चलो लेना है टेंट. देख कितना बड़ा टेंट, बढ़िया है कैंपिंग के लिए. हाँ कौन और ये टेंट कौन दूले? हाँ बढ़िया है कैंपिंग के लिए तो. ओए ये तो न्यू ईयर के लिए ठीक था रे. हाँ न्यू ईयर के लिए ठीक था ये पूरा जोड़े कैंपिंग टेंट. इसमें तो कम से कम नहीं तो 20. हाँ यो मामा माने ओ देनिल नो बा देबो यात माने धोरदा हेरी सोफा एरिया टाइप पास एरिया है बेडरूम. हां बेडरूम, बेडरूम ए तो सब ड्राइंग रूम. इसको बंद कर सकता है पूरा अच्छे से ऐसा करके. बढ़िया है भाई. हां ऐसा बंद कर तू तो. चलो के जरूरत है. हां और उफारा का सो
कितना लिखा है? 12,000 रुपये, ज़्यादा नहीं है। चलो अंदर चलते हैं।